हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल NSK ऑटोमोबाइल्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको KTM ड्यूक के टाइम को कैसे सेट करना है। तो गाइज, बहुत इजी है, आप सब कुछ समझ जाओगे, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, टाइम को सेट करने के लिए यहाँ पर आपको इसके मीटर में दो बटन मिलेंगे, एक मोड का और एक सेट का। इन दोनों बटनों से ही हम टाइम को सेट करने वाले हैं। मोड बटन को प्रेस करके इसे आपको ऑडियो के ऑप्शन पर ले आना है। यह है ट्रिप वन, यह है ट्रिप टू, तो इसे आपको ऑडियो के ऑप्शन पर ले आना है। टाइम ऑडियो के ऑप्शन पर ही सेट होगा। तो ये रहा ऑडियो का ऑप्शन। अब आपको इन दोनों बटनों को, मोड और सेट को, एक साथ जोर से लॉन्ग प्रेस करना है। कुछ ही सेकंड में हमारा टाइम ब्लिंक करने लगेगा। जैसे ही हमारा टाइम ब्लिंक करने लगे, हमें टाइम को सेट कर लेना है। यहाँ से अगर आप सेट बटन को प्रेस करोगे तो आपके मिनट चेंज होंगे। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 7:11 हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर 11 मिनट करना है। अब अगर आप यहाँ पर मोड बटन को प्रेस करोगे तो आपके घंटे चेंज होंगे। घंटे और मिनट को सेट कर लेने के बाद आपको फाइनली इन दोनों बटनों को एक साथ जोर से लॉन्ग प्रेस करना है, तभी आपका टाइम सेट हो पाएगा, नहीं तो आपका टाइम फिर से गलत हो जाएगा। तो गाइज, आप देख सकते हो हमारा टाइम सेट हो चुका है। गाइज, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको ट्रिप वन, ट्रिप टू, सर्विस रिमाइंडर, इन सबको कैसे रिसेट करना है। गाइज, अगर आपका कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और गाइज, अगर आप चाहते हो ऐसे ही BS6 बाइक से रिलेटेड वीडियो आगे भी मिलते रहे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अब यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।